तो यहाँ पे आप छात्र देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2020 का 2020 का आज हुआ है उसका मैं यहाँ पे फुल एनालिटिक सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप सभी छात्रों के लिए, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो क्वेश्चन सारा का सारा सेम होता है, बस खाली क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देख ले, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर अभी तक आपने CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका किसी दूसरे पॉइंट में भी हो अगर आपका सेट अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन आप में भी आया होगा, केवल क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर रहते हैं, तो आप देख ले पूरा वीडियो लास्ट तक। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 0.683/k, ऐसे तो 0.9691 के समथिंग होता है लेकिन इसमें ऑप्शन यही नज़दीक है तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उजला और पीला फॉस्फोरस एक दूसरे का अपरूप है एलोट्रॉप है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, तो कॉपर मुक्त नहीं करता, बाकी के सारे आयरन जिंक और मैग्नीशियम ये सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में फिनॉल की पहचान करें, तो यहाँ पे फिनॉल का होगा बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन हट के एल्कोहल लग जाता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया है देखिए कंप्लीटली अनुत्क्रमणीय नहीं होती है, इसको जो है रिवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये कम्प्लीटली उत्क्रमणीय नहीं होती है। गूगल पे भी इसका इसी तरह से है कि ये कम्प्लीटली उत्क्रमणीय नहीं होता है, पूरी तरह से उत्क्रमणीय नहीं होता है, फिर भी छात्रों के बीच यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो इसका कमेंट बॉक्स में आके आप देख ले कि क्या है, ए और बी में कोई एक आंसर होगा इसका। उम्मीद है कि इसका आंसर हमारा बी ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें जब हम ताप बढ़ा देंगे तो अमोनिया का उत्पादन जो है जो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है सिंगल बॉन्ड CuNH3 को एमाइडो ग्रुप बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है CH3O CH3, ऑप्शन नंबर ए। टिंडल प्रभाव को कौन सा प्रदर्शित नहीं करता, तो चीनी जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, चीनी का घोल। कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन सा है, तो कीटोन का होता है C(OO), ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा रवादार ठोस है, तो हीरा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको अयस्क कहा जाता है। सिरका में पाया जाता है CH3COOH। 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, NiCO का होल फोर में निकल की ऑक्सीकरण संख्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, ये इसको देखना होगा कि इसका कौन सा ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, तो इसका मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, इसका अभी बनाया नहीं है, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आ जाए, जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में भी आके कमेंट कर सकते हैं, उनका कमेंट अप्रूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 6। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें कौन सा अयस्क नहीं है, तो जिंक ब्लेंड कैलेमाइन और बॉक्साइट ये तीनों अयस्क है, जिंकाइट कोई अयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रबलतम भस्म है, तो इसमें बी ही प्रबलतम भस्म नजर आ रहा है और तो कोई प्रबलतम भस्म है नहीं। कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है जो एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बिलियन का अनुसंख्यक गुण है, तो परासरण जो है जो बिलियन का अनुसंख्यक गुण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओलियम का सूत्र है H2S2O7, ओलियम H2S2O7, ऑप्शन नंबर ए। बात्या भट्टी में
निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आयरन ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड OH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा कथन सही है? तो इसमें है सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परासरण दाब का सूत्र पी इज इक्वल टू IMRT होता है, तो उसके अकॉर्डिंग CRT जो हमारा है वो सही हो जाएगा। आदर्श विलयन वो है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में और क्या पाया जाता है? तो सिंगल बॉन्ड NH2 पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 37 आवर सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन में पाई बंधों की संख्या 0, एनिलीन में पाई बॉन्ड नहीं होता है। बेरवादार ठोस है कांच, बाकी ग्रेफाइट और हीरा, तो इसमें आया भी था रवादार ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एल्डोल संघनन में भाग लेता है CH3CHO, ऑप्शन नंबर बी। बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6। उसके बाद कीटोन जब एल्डिहाइड जब करता है तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है, कीटोन कर रहा है तो सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। अगर आपको बायोलॉजी का भी क्वेश्चन चाहिए इवनिंग तक, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जिन क्वेश्चंस के आंसर्स एक दो क्वेश्चन हैं उनके नहीं करवाए गए, वो आप कमेंट बॉक्स में आ जाएं, वहीं पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।